हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज संजीव कुमार सिंगल, नोन एज SKS सर। आई एम वर्किंग विद अन एकेडमी एज मैथ्स एजुकेटर इन इंदौर ऑफलाइन सेंटर। हम लोग रैंक रिफाइनर सीरीज लेकर आए हैं जिसका पार्ट 4 है, और इस सीरीज के थ्रू हम अपनी रैंक को रिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें कोई चैप्टर पर्टिकुलर अच्छे से आता है तो उस पर बेस्ड अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो उसको आप ट्राई करो। अगर वो आपसे हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आपको इस वीडियो के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो अब हम लोग पार्ट 4 में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर पार्ट में हम लोग दो क्वेश्चंस लेते हैं, तो ये पार्ट 4 है। तो पार्ट 1, 2, 3 जिन्होंने नहीं देखा है वो भी डेफिनेटली देखे, उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है क्या इंदौर पल्स भाई अनअकैडमी, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए। उसमें आपको बहुत एजुकेशनल वीडियोस दिखाई देंगे जो IIT JEE प्रिपरेशन और नीट की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है द नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स A, B, C सच दैट LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू 1000 एंड LCM ऑफ B, C इज 2000 एंड LCM ऑफ C, A इज इक्वल टू 2000। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो LCM सबका दिया हुआ है, A और B का LCM। चलिए पहले तो अगर हम लोग देखें 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। am I right? बिल्कुल सही है ना? यस। तो हमें 2 की पावर 3 8 और 5 की पावर 3 125। और अगर हम लोग 2000 को देखें तो 2 की पावर 4 हो जाएगा और 5 की पावर 3। ठीक है, 2000 को हम लोग ये लिख सकते हैं। चलिए पहले हम लोग LCM का मतलब समझते हैं। तो अब हम लोग को मालूम है जो नंबर्स हैं A और B और C, तो A किस फॉर्मेट में होगा, A डेफिनेटली 2 की पावर X1 और 5 की पावर Y1 के फॉर्मेट में होगा। सिमिलरली B के बारे में अगर हम बात करें तो 2 की पावर X2 और 5 की पावर Y2 के फॉर्म में होगा। सिमिलरली C 2 की पावर X3 और 5 की पावर Y3। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए LCM अगर हम बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 का LCM क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 2 की पावर 3। तो मतलब मैक्सिमम पावर इन दोनों में क्या है। अब 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 की पावर 4 का मल्टीपल क्या होगा, 2, और 2 की पावर 3 का मल्टीपल 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या मिला, 2 की पावर 3, विच इज मैक्सिमम। जो पावर मैक्सिमम है किन्हीं दो नंबर की अगर हम LCM की बात करेंगे तो किसी में 2 की पावर 2 है और किसी में 2 की पावर 4 है, तो डेफिनेटली जो 2 की पावर 4 जो मैक्सिमम पावर है वो हमारा LCM हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग वर्किंग करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें X1 की बात करें और X2 की बात करें और X3 की बात करें, तो यहां पर X1, X2 और X3 के बारे में हम लोग सोचते हैं जो 2 की पावर में है। अब समझिएगा, अब हम लोग कह रहे हैं A और B का LCM, A और B का LCM क्या है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। Am I right? B और C का 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3 और C और A का 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3। अभी हम लोग फोकस किस पर कर रहे हैं बेटा, 2 की पावर में हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम A और B में देखें LCM 2 की पावर 3 है, और इन तीनों में अगर हम बात करें, यहाँ पे A और B की बात कर रहा है, यहाँ पर B और C की और यहाँ C और, तो A B C यहाँ पर A के कॉरस्पॉन्डिंग 2 की पावर X1 है, X2 और X3। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये 2, 3, 4। अगर हम A और B, यहाँ पर A के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये A के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये भी 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये भी 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, करेक्ट। तो अगर हम यहां पर A और B की बात करते हैं जो 3 है, A और B का LCM कितना है, 2 की पावर 3। तो 100% हमें बात करनी है A और B में, तो एक ना एक नंबर जो 2 की पावर है वो 3 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहां पर 3 रख दिया, समझिएगा तो इटसेल्फ ये 2 की पावर क्या हो गया, 3। अब A और B की बात करें तो B में अगर हम 0 रखते हैं तो एक तरह से 2 की पावर 3 और 2 की पावर 0 का अगर हम LCM की बात करें, क्योंकि यहाँ पर A की बात कर रहे हैं, यहाँ पर B और यहाँ C, तो यहाँ पर A की बात कर रहे हैं, यहाँ पर B के कॉरस्पॉन्डिंग और यहाँ C,
पावर क्या है, 2 की पावर, ठीक है। ए और बी का एलसीएम कितना है, 2 की पावर 3। तो ए और बी में हमने 2 की पावर 3 और यहां 2 की पावर 0 रखा। अब बी और सी की बात करें, बी और सी में 2 की पावर क्या है, 4। तो अब बी में अगर हमारा 2 की पावर 0 है तो यहां डेफिनेटली हमारा 2 की पावर 4 तो होना ही चाहिए, तो इसको हम लोग 4 लिख रहे हैं, करेक्ट। तो अगर हम देखें ए और बी का एलसीएम देखें तो 2 की पावर 3, बी और सी का एलसीएम देखें तो 2 की पावर 4 हो जाएगा जो कि है, और सी और ए का एलसीएम, ए और सी का एलसीएम भी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। तो हमने यहां पर फिक्स रखते हुए इसको 0 रखा और इसको 4। तो अगर हम यहां पर 1 रखें, अब समझिएगा यहां पर अगर हम 1 रख दें तब भी ए और बी का एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 3 क्योंकि मैक्सिमम ये है, और बी और सी का एलसीएम 2 की पावर 4 क्योंकि ये मैक्सिमम है, और ए और सी का एलसीएम 2 की पावर 4 यहां पर मैक्सिमम है क्योंकि मैक्सिमम बी और सी में 4 होना चाहिए और ए और सी में भी 4 होना चाहिए, तो 4 तो यहां पर हो गया। तो सिमिलरली अब हम 3 को फिक्स रखते हुए क्या यहां पर हम 2 रख सकते हैं, बिल्कुल, और 3 भी रख सकते हैं, बिल्कुल। तो ऐसे कितने केसेस हो गए, 4, समझिएगा यहां पर क्या हो गए, 4 केसेस हो गए। अब 3 फिक्स करते हुए 0, 1, 2, 3 और 4 रखते हुए, ठीक है। अब अगर हम इसको चेंज करना चाहें, अब हम इसको अगर हम 2 रखेंगे तो आप खुद सोचो कि ये a की पावर x1 2 हो गया और यहां पर b है ना ये, तो अब a और b का एलसीएम में क्या आ रहा है, 3, तो मैक्सिमम 3 पावर होनी चाहिए, तो यहां 2 है तो यहां पर हमें 3 रखना ही पड़ेगा। b और c में 2 की पावर x2 है और 2 की पावर x3, तो x2 और x3 में b और c के ये हो गया, तो अब b और c में 2 की पावर 4 होना चाहिए या नहीं, तो यहां पर आपको क्या रखना पड़ेगा, 4। अब c और a की बात करें तो ये a है और ये c है, तो मैक्सिमम पावर 4 मिलनी चाहिए ना किसी में, यस मिल रहा है, तो ये भी एक केस हो गया। तो यहां पर हमने 2 रखा, यहां पर हमें 3 रखना पड़ रहा था, तो इसका एलसीएम 3 मतलब मैक्सिमम 3 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इन दोनों में मैक्सिमम 4 होना चाहिए, ए और सी में, और बी और सी में भी मैक्सिमम 4 होना चाहिए। तो इसमें कितने केसेस आए बेटा, 4 केसेस, इसमें 1 केसेस। हम यहां 2 रखा है तो क्या हम यहां पे 1 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो 1 और 3 में मैक्सिमम 3 क्योंकि ए और बी में 2 की पावर 3 है। सिमिलरली बी और सी में मैक्सिमम 4 होना चाहिए, ए और सी में मैक्सिमम 4 होना चाहिए, तो 2, 1 और हम 0 भी रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहां पर 4 हो गए और यहां पर कितने केसेस हो गए, 3, कितने हो गए, 3, 7 केसेस हो गए। तो सारी पॉसिबिलिटीज हमने देख ली, 3 से स्टार्ट किया, 3 से स्टार्ट करने के बाद ये 0, 1, 2, 3 हो सकता था, ये 4, फिर 2 करा तो ये 3 और ये 4, ये 1 फिर ये 3, ये 4, ये 0। तो और कोई केस हो सकता है क्या, नहीं, सारी पॉसिबिलिटी 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हो चुकी है। अब वापस वर्किंग करते हैं y1, y2 और y3। तो यहां पर a और b में, अब ध्यान से देखोगे ना, a और b में 3, 3, 3, सब में 3, 3 है, मतलब a और b के, अगर हम a और b की बात करें तो उसमें 5 की पावर 3 मैक्सिमम आना चाहिए, b और c की बात करेंगे तो y2 और y3 में मैक्सिमम 3 होना चाहिए, और इनमें भी मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 3। तो चलिए हम इसको पहले 3 रखते हैं, तो इसको क्या रख सकते हैं, इन दोनों में मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 3, जो कि हो गया या नहीं, ए और बी बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहे हैं कंडीशन बेटा। अब बी और सी में मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 3, तो इसको हटा देते हैं अभी, 0, 1, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3, तो 3, 0 में एलसीएम 3, 0 और 3 में 3, और 3 और 3 में तो 3 रह गई, गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो अब इसमें ये चीज हो गई, अब 3 को अगर हम यहां पर रखें और यहां पर भी रखें और फिर यहां पर भी हम लोग को क्या, हम 3 और 3 रखने के बाद यहां पर हम क्या चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में मैक्सिमम दोनों में ही है, इन दोनों में मैक्सिमम यहां मिल गया है, तो हम यहां पे 0, 1 और 2 रख सकते हैं क्या, तो इन तीनों में मैक्सिमम क्या होगा, यही होगा, 3 होगा, करा जा सकता है। तो 0, 1, 2, तो यहां पर अगर हम लोग 3 कर दें तो क्या ये 3 किया जा सकता है, बिल्कुल। तो यहां पर कितने केस हो गए, 3, यहां पर कितने हो गए, 4, तो यहां पर 3 रखा तो ये चीजें आ गई। तो अब यहां पर 3 रखने के बाद ये 0, 1, 2 रखा, अब क्या हम यहां पे 2 रख सकते हैं क्या, 3 वाला केसेस हम लोगों ने 0, 1, 2, 3 सारे हो गए, इस 3 को भी अब यहां 3 की जगह हम 2 कर रहे हैं बेटा, तो 2 कर रहे हैं तो यहां पे क्या आना चाहिए, 3। अब यहां a और b का एलसीएम में मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए जो कि हो गई, b और c में मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, तो ये 3 है, तो अगर हम यहां 0 रखेंगे तो दिक्कत क्या आएगी, इसमें और इसमें मैक्सिमम 3 होना चाहिए,
तो ये हम पॉसिबिलिटी नहीं कर सकते, तो ये थ्री, तो टू थ्री थ्री, तो यहां पे हम वन भी रख सकते और जीरो भी रख सकते। तो यहां पे कितने केस हो गए, तीन केस, यहां पर कितने हो गए, चार केस, और यहां पर थ्री केस। तो सारी पॉसिबिलिटी कैसे स्टार्ट करनी है, एक को टारगेट करा, वाई वन को टारगेट करा, थ्री, थ्री के कॉरेस्पॉन्डिंग सब करा, इस थ्री के कॉरेस्पॉन्डिंग में थ्री थ्री आ गया था इसलिए करा, फिर टू करा, तो टू करने के साथ हमें स्ट्राइक क्या करा, सभी को हम हैंडल कर सकते हैं, क्यों, टू और थ्री में मैक्सिमम थ्री हो गया, तो आगे हमें थ्री रखना ही पड़ेगा बेटा, इन दोनों में मैक्सिमम थ्री हो गया, लेकिन इन दोनों में मैक्सिमम थ्री होना चाहिए, तो इसलिए यहां थ्री ही रखना पड़ेगा, तो सारे केसेस क्या हो गए, कवर हो गए। तो यहां पर कितने केस आए थे, सेवन, और वहां पर कितने टोटल केस आए, टेन, तो सेवन इंटू टेन कितना होगा, सेवनटी। तो इस तरह से जो हम लोग के नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स आए ए बी सी, तो सेवनटी आए, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर आएगा उसको हम लोग प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो हर एक प्राइम नंबर को टारगेट रखेंगे x1, x2, x3 वाला। तो इस तरह से हम लोग सेट करेंगे कि x1 और x2 में मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 3। अगर हम a और b की बात करें तो मैक्सिमम 3 होना चाहिए कम से कम एक नंबर में, तो x1 और x2 में कम से कम एक नंबर में 3 होना चाहिए, दोनों में भी हो सकता है, तो वो केस भी हमें इंक्लूड करना ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये प्रोफाइल है इस क्वेश्चन का, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है आपके पेपर में IIT JEE मेन में या एडवांस में, तो आपको डेफिनेटली उस क्वेश्चन को क्रैक करना है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए, यहां पर पी क्यू एंड आर डिफरेंट प्राइम नंबर, ठीक है, और ए बी आर नेचुरल नंबर, कह रहा है सच दैट देयर एलसीएम इज, ये ए और बी का जो एलसीएम है पी की पावर थ्री क्यू की पावर थ्री आर स्क्वायर है, और एचसीएफ इज पी आर, मतलब पी क्यू आर पहली बार डिफरेंट प्राइम नंबर है। अब यहां पर एलसीएम की भी बात की जा रही है और एचसीएफ की भी बात कर रही है, मतलब इन दोनों का, ए को अगर हम मान लें, ए को मान लें पी की पावर एक्स वन क्यू की पावर एक्स टू और आर की पावर एक्स, तो बी को हम लोग क्या मान सकते हैं, पी की पावर वाई वन क्यू की पावर वाई टू और आर की पावर, तो ए और बी का एलसीएम दिया बेटा, एलसीएम पी और क्यू का एलसीएम क्या है, पी की पावर थ्री क्यू की पावर थ्री आर स्क्वायर, और एचसीएफ क्या दिया है ए और बी का, पी इंटू आर, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर, पी क्यू एंड आर डिफरेंट प्राइम नंबर, ए बी आर नेचुरल नंबर सच दैट देयर एलसीएम। अब यहां पर हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, नेचुरल नंबर सच दैट देयर एलसीएम। अब ए और बी को हमें यहां पर लेस देन आर इक्वल टू फाइव लेना है, एक आपको इंफॉर्मेशन क्या करनी है, ऐड करनी है, ए और बी हमारा फाइव के बराबर आना चाहिए या फाइव से छोटा भी आना चाहिए, ठीक है, ये आपने क्वेश्चन लिख लिया, कंप्लीट कर लिया। चलिए अब बात करते हैं एलसीएम की, तो हम लोग ने बात कर ली, अब एचसीएफ के लिए क्या होता है ये हमें समझना है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो जो इनकी मिनिमम पावर है वही होगा डेफिनेटली, 2 की पावर 4 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राइम नंबर में है ना, 2 इज अ प्राइम नंबर, उसकी पावर, तो जो मिनिमम पावर होती है वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगी। प्राइम नंबर की अगर हम बात करें 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, कोई भी ले लो आप, 5 की पावर 2, 5 की पावर 7, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5 की पावर 2, इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 5 की पावर 2, इसमें तो है ही फैक्टर, ठीक है। तो आपको समझ में आया एलसीएम में क्या होता है मैक्सिमम पावर और एचसीएम में क्या होता है मिनिमम पावर, तो ये लॉजिक ध्यान में रखते हुए हम लोग वर्किंग करेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं ये पी के फॉर्म में है, ठीक है, तो अब एलसीएम में हमें पी क्यूब दिया, तो अब x1 और y1 के बारे में सोचेंगे, तो यहां x1 और y1 के बारे में हम लोग सोचेंगे, और एलसीएम क्या है पी की पावर 3, समझिएगा, और एचसीएफ क्या है पी, अब हम फोकस किस पे करेंगे, पी की पावर 3, तो इन दोनों में से कम एक में, कम से कम एक में 3 आना चाहिए या नहीं, और एचसीएफ के लिए दोनों में जो मिनिमम है वो 1 होना चाहिए या नहीं, क्लियर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये ए और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये ए और ये बी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ए में
x1 है और b में पावर क्या है y1। तो अगर हम यहां पर अगर हम 3 दें, बस अभी हम लोग p पर फोकस कर रहे हैं बेटा, p की पावर 3 है LCM में, 3 हमने यहां दिया, तो यहां पर HCF में p की पावर 1 है, तो यहां पर मिनिमम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए या नहीं, पहले आप बताइए, क्लियर है। चलिए और कौन से केसेस हो सकते हैं, यहां पर अगर हम 2 रखेंगे तो यहां पर हमें 3 रखना पड़ेगा, लेकिन HCF की बात करेंगे तो मिनिमम पावर क्या होनी चाहिए 1, जो कि नहीं है, 2 और 3 है, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा, 2 वाला केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये हटा दिया। तो अब 2 नहीं है तो 1 भी नहीं है, 1 अगर हम कर रहे हैं तो यहां पर हमें 3 रखना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा या नहीं, तो 1 और 3 का ये पॉसिबिलिटीज आ गई। चलिए अब क्यू में देखते हैं, तो ये अगर हम लोग x2 और y2 की बात कर सकते हैं, चलिए x2 और y2 में फिर से वही बात है, q3 और यहां पे तो है ही नहीं, मतलब यहां पर क्या है, q की पावर क्या है, 0 है, q की पावर क्या है, 0 है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें x2 और y2, तो x2 में 3 अगर हम बात करें और वहां पर है ही नहीं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 0 मिनिमम, हमारे HCF की बात कर रहे हैं तो कि Q की पावर 0 है, ठीक है। ठीक है, 3 और 0, तो अब दूसरा केस क्या हो सकता है LCM में, 0 और 3। चलिए अब X3 और Y3 की बात करते हैं, X3 और Y3 में क्या है, 2 और 0, तो यहां पर अगर हम 2 रख रहे हैं और यहां पर क्या रखना पड़ेगा 1, तो यहां 1 रखेंगे तो यहां पर क्या रखेंगे 2 ही रख पाएंगे, तो ओनली कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही है 2 2 2। तो यहां पर इफ पी, ये आप कंडीशन हटा दीजिए, ठीक है, ये कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ये कंडीशन किसी और क्वेश्चन के रिगार्डिंग होनी चाहिए, जहां पर हम लोग नेचुरल नंबर बढ़ाते हुए जा रहे हैं ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए थी। चलिए तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे कि LCM A और B का क्या होना चाहिए, पी क्यूब। चलिए देखते हैं, इसमें P की पावर 3 है, इसमें P की पावर 1 है A में, तो LCM क्या होगा, P की पावर 3। HCF देखेंगे तो ये 1, ये X2 Y2 की बात करेंगे तो Q की पावर क्या होनी चाहिए, 3 और 0, मैक्सिमम 3 और मिनिमम 0, तो ये बिल्कुल होल्ड कर रहा है, ये भी होल्ड कर रहा है, सिमिलरली ये भी होल्ड कर रहा है, तो कितने केसेस आ गए, 2 × 2 × 2, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 0। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपने अच्छे से देखा, खुद ट्राई किया, हो गया है तो वेल एंड गुड, तो आपकी कोशिश, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। अगर आपसे नहीं हुआ तो पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, फिर दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करना है। अगर आपसे दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं हो रहे हैं तो सीखने को मिल रहा है, तो आपको 10-12 मिनट में कुछ चीज़ सीखने को मिल रही है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू IIT JEE एंड IIT एडवांस, तो आपको बिल्कुल ये चीजें देखनी है। तो आप पार्ट 1, 2, 3 में भी जा सकते हैं, वहां भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और आप इंदौर पल्स बाई अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे, फिजिक्स के भी मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी मिलेंगे और मैथ्स के, तो तुरंत आप ज्वाइन करें, ओके। तो अब हम लोग को ये जरूरत है कि अगले पार्ट में सर क्या पढ़ाएंगे या क्या कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, तो अगले पार्ट में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर नेक्स्ट पार्ट में आप आएं, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी रिलीज होगा, इस पार्ट को आप अच्छे से करें, सीखें, और टिल IIT JEE तक आपको ध्यान रखना है ये कॉन्सेप्ट, तभी आपको फायदा है। चलिए फिर से मिलते हैं पार्ट 5 में, ओके, थैंक यू।